वहाँ जिस्म बहुत कीमती होते हैं। जिस मुआशरे में इंसानों की कोई कीमत नहीं होती, वहाँ इज्जत की बोली सबसे ऊंची लगती है। जिस मुआशरे में इंसानों की कोई कीमत नहीं होती, वहाँ बिनते हवा सरे बाजा तबले की थाप पर नाचती है। और जिस मुआशरे में इंसानों की कोई कीमत नहीं होती, वहाँ भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। यहाँ हवस के पुजारी स्याह रातों में सफेद जिस्मों का जीवन स्याह करते हैं। यहाँ पे नाचते पैरों की थाप बिकती है। यहाँ पे जागती आँखों के ख्वाब बिकते हैं। यहाँ पे फूल से होंठों की प्यास बिकती है। यहाँ पे जिस्म है बिकते शबाब बिकते। अली वकार, भूख दो वक्त की रोटी के एवज बिनते हवा को इब्ने आदम की हवस का निशाना बनने पर मजबूर कर देती है, लेकिन कहीं कोई कयामत नहीं उतरती। 14 साल वीरा अपनी असमत लुटाने के बाद जान से भी हाथ धो बैठती है, लेकिन कहीं कोई कयामत नहीं उतरती। हर की जलती रेत पर नंगे पांव चलने वाली कौम का सदर इस्लामाबाद की सड़कों पर मर्सिडीज में सफर करता है, लेकिन कहीं कोई कयामत नहीं उतरती। बलोचिस्तान की खुश्क साली पर एयर कंडीशन कमरों में मिनरल वाटर पी पी कर गौर किया जाता है, लेकिन कहीं कोई कयामत नहीं उतरती। ये शाहराहें इसी वास्ते बनी थी क्या कि इन पर देश की जनता सिसक सिसक कर मरे। जमीनें क्या इसी कारण अनाज उगला था कि नस्ले आदम व हव्वा बिलक बिलक कर मरे। मिले इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तराने वतन तार तार को तरते। चमन को इसीलिए माली ने खून से सींचा था कि उसकी अपनी निगाहें बहार को तरसे। अली वकार, यह इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान जहां हर कोई अपनी धुन में मगन है। सर खुजाने की फुर्सत नहीं, दाएं बाएं की फिक्र नहीं। हर शख्स भूखा है। कोई इक्तदार का तालिब है तो कोई शोहरत का भूखा, कोई दौलत का परिसार है तो कोई पेट का भूखा, कोई भंग के एक प्याले के एवज अपना सब कुछ निछावर करने पर आमादा तो कोई ताकत का भूखा। कह तो रजाल बढ़ता चला जा रहा है। तहजीब और तमद्दुन के पैमाने टूट फूट का शिकार होकर वक्त की नाकदरी का गिला कर रहे हैं। हम जवाल की आखिरी हदों के भी आखिर पर पहुंच चुके हैं। इंसाफ मुहैया करने वाले इदारे सिसक सिसक कर दम तोड़ रहे हैं। हर तरफ से एक ही पुकार सुनाई देती है, भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। अली वकार, सुनिए सुनिए, अगर आप सुन सकते हैं कि जब बूढ़े प्रोफेसर को 6 माह तक पेंशन ना मिली तो अपनी कन पट्टी पर पिस्तौल रखकर बोला था, मेरा पाकिस्तान है ये तेरा पाकिस्तान है। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं, जब तस्नीम सोलंगी भूखे कुत्तों का नवाला तर बनी तो बोली, पड़े हैं गुम कटहरे अदालतें चुप हैं। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं, जब मजदूर शाम को खाली हाथ घर लौटा तो अपने बच्चों से नजरें चुराते हुए बोला, है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर की औकात। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं कि वजीर आजम की खुली कचहरी में खुदकुशी करने वाला शख्स बोला था, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं, जब जागीरदार के दस्तागीर गरीब हारी की बेटी को उठाकर लेके गए थे तो वो बोला था, आवाज दो इंसाफ को, इंसाफ कहाँ है। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं कि डमा डोला के बेगौर और कफन लाशे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, नवीद दो इंसान को कि इंसान मर गया। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आज भी सरापा सवाल है, जिम्मेदार कौन। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं, लाल मस्जिद के शहदाद कह रहे हैं, पाक फौज तू जिंदाबाद। और सुनिए अगर आप सुन सकते हैं, जब बेरोजगार बाप ने अपनी 3 जवान बेटियों को मौत के घाट उतारा था तो बोला था, अजब रसम है चारा घरों की महफिल में, लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। अली वकार, भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। गुर्बत से मजबूर लोग अपने बच्चे भूनकर खा जाते हैं, अपने गुर्दे और आंखें बेच डालते हैं, अपनी 8-8 साल बच्चियां दलालों के हवाले कर देते हैं, अपने खानदान के साथ आग में कूद जाते हैं, दरियाओं समंदरों में छलांगें लगा देते हैं, पंखों के साथ लटक जाते हैं, ट्रेन की पटरी के आगे लेट जाते हैं। गुर्बत जुल्म और महंगाई से मजबूर लोग अपने मासूम बच्चों के गले काट देते हैं। अली वकार,
सदारत विदारत और इमारत के भूखे तहजीबी अकदार को पामाल कर देते हैं। कभी तो चंद खोटे सिक्कों के बस कौम की बेटियों को बेच डालते हैं, तो कभी मसाजिद का तकद्दस पामाल करते हुए ने लहू रंग करते हैं, और कभी अपनी ही आवाम से कहते हैं मैं तुम्हें वहाँ से निशाना बनाऊंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जब लोग ये कहते हैं खुदा देख रहा है, मैं सोचने लगता हूँ क्या देख रहा है। अली वकार, इससे पहले कि भूख इस मुल्क को खा जाए, इससे पहले कि लहजे पे आवाज हो जाए, सुर संगीत सब बेसाज हो जाए, मिल्लत इस्लामिया की ये बेटी, मुल्क और कौम की बेटी और आपकी बेटी आपसे इस्तदा करती है खुदारा। खुदारा पूरे बाप का सहारा बन जाइए जिसके बेटे ने खुदसोजी की। खुदारा सौरत के आंसू पोंछ डालिए जिसकी बेटी जागीरदार की हवस का निशाना बनी। और खुदारा उन मासूम बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखिए जिनका बाप पुलिस मुकाबले में मारा गया। इन अशार के साथ ही मौजूए जेरे बहस समेटती हूँ। सितम जरीफी वक्त ने कलियों की नजाकत को, दिलों की मोहब्बत को इस तरह से मसला है, इस तरह से कुचला है कि जिंदगी अदियत है और सांस की भी कीमत है। किसका हाथ है जो खून से रगा नहीं, किसका गिरेबा है जो गिरफ्त से बचा नहीं। सदाए मौत आती है शहर भर की गलियों से, खून की बू आती है फूलों और कलियों से। ये मुस्तफा की उम्मत कब से सिसक रही है, क्या गैरत मुसलमाना पैद हो गई है। ये मुस्तफा की उम्मत कब से सिसक रही है, क्या गैरत मुसलमान पैद हो गई है। हर समत खून मुस्लिम, हर समत खून मुस्लिम, ये तुझसे पूछता है। हर समत खून मुस्लिम, ये तुझसे पूछता है।